सर आप जिस तरह से जनसभा की है, क्या संबोधन था और क्या कार्यक्रम है आपका? किसान कामगार सम्मेलन किया है संभल के, पूरे इलाके से किसान आए और किसानों की समस्याओं पे भी वहाँ बातचीत हुई, किस तरह से समाधान ढूंढे जा सकते हैं किसान के लिए, जो सरकार ने जो दावे किए उनका भी हिसाब किताब लेकर जो काम ने दिया। सरकार ने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी और मैंने वहाँ सबसे हाथ खड़े कराए, एक भी किसान खड़े होकर नहीं कर पाया कि मुझे कोई फायदा मिला। गन्ने की मिल चालू हो चुकी है और अभी तक कोई रेट निर्धारण नहीं हुआ और मेंथॉल की बड़ी खेती भी यहाँ होती है और प्रसंस्करण का उद्योग भी है। बड़ी विडम्बना है कि अब उस खेती में भी किसानों को घाटा मिला है, उनके कड़वे अनुभव हुए हैं कि अब उस खेती में भी प्रगति नहीं हो रही संभव। मैं ये जानता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्पाइस बोर्ड है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक फूड पार्क बनाया मेंथॉल के खेती के लिए, एक विशेष तौर पे एक योजना बनाकर, और वो जी संभल में अगर बनता तो यहाँ उद्योग भी स्थापित होते, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलती, किसान को बेहतर भाव मिलता, जो वो जाके रायबरेली में स्थापित हो तो जहाँ इस तरह की खेती नहीं है। बाराबंकी तक जरूर होती है एमेंट की खेती, लेकिन जितनी बड़ी खेती इस इलाके में है शायद उत्तर प्रदेश में किसी और जिले में आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या वजह है कि किसान इंडिया गठबंधन और खासकर रालोद से नहीं जुड़ पा रहा? जो किसान चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह जी के जमाने में था, वहाँ जैन चौधरी जी के साथ क्यों नहीं? नहीं जी, देखिए पिछले चुनाव में हमने अच्छा नतीजा हमें मिला है और इससे पहले 2014 से जो लहर देश में आई उसमें बहुत लोग बह गए, बहुत एक अंतर आया लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में। दोबारा हम लोग पटरी पे आए और उम्मीद करते हैं कि और हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी अखिलेश जी का बयान आया है 10 मिनट पहले एक कार्यक्रम में कि वो पीडीए का गठन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। क्या वजह है इंडिया गठबंधन से सपा का नाता नहीं जुड़ पा रहा है और बीच का रास्ता आप नहीं निकाल पा रहे? इंडिया के सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे, तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ नहीं। पीडीए का गठन किया है वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने, किसान कमेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान कमेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं, लेकिन जहां बड़ी लड़ाई है वो इंडिया के देश भर में जो पार्टियां हैं जो देश का भला चाहती हैं, जो एक सेकुलर विजन को आगे लेके चलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक वैल्यूज को बचाने के लिए बात कर रही, प्रयास कर रही लगातार, उन पार्टियों के हर प्रयास के साथ, चाहे समाजवादी हो, मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ और लोकदल हो, सर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे।